वैसे तो बहुत सारे लोगों ने घरों में वाटर प्योरीफायर लगवा रखे हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्योरीफायर नहीं है तो कैसे अशुद्ध पानी को आप शुद्ध कर सकते हैं, यानी पीने लायक बना सकते हैं। पानी को उबालने, पानी को उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसके बाद वह पानी पीने लायक हो जाता है। कभी ऐसे हालात पड़े कि आपके पास साफ पीने का पानी नहीं है तो यह बात हमेशा याद रखें। शुद्धिकरण गोलियों का करें इस्तेमाल। आप चाहें तो शुद्धिकरण गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत प्रभावी और आसान तरीका है। यह पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में कारगर है। ये गोलियां इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इसके लिए बस आपको पीने से आधे घंटे पहले पानी में डालना होगा, लेकिन यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। फिटकरी का करें इस्तेमाल। पानी से भरे बर्तन में एक छोटे से टुकड़े को अशुद्ध पानी में डालकर 2 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि 2 घंटे तक इस बर्तन को कोई न छुए। इसके बाद आप देखेंगे कि पानी की सारी गंदगी बर्तन के निचले हिस्से में जम गई है और पानी पीने लायक हो गया है। इन तरीकों से ना सिर्फ आपको साफ पानी मिलेगा, बल्कि गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। अमर उजाला.com